नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम करूंदे की खट्टी मीठी सब्जी बनाएंगे। बहुत ही कम मसाले में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। करूंदे पके हुए हैं, आप थोड़े हरे करूंदे भी ले सकते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी करूंदे लिए हैं। इनके ऊपर वाले कैप निकाल लेंगे। अब हम एक करूंदे के दो पीस कर देंगे और इनके बीच में जो बीज हैं वो भी निकाल लेंगे। पके हुए करूंदे के बीज कड़वे होते हैं, तो आप सब्जी बनाते समय बीज जरूर निकालें। इस तरह करूंदे के दो पीस करके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के इसमें ये एक चम्मच घी डालेंगे। वैसे आप ये सब्जी तेल में भी बना सकते हैं। मैंने ये सब्जी तेल में क्यों नहीं बनाई ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। घी गर्म होने के बाद हमने ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इसी के साथ ये थोड़ी कलौंजी भी डाल देंगे और ये बीज निकले हुए सारे करूंदे भी इनके साथ जाएंगे। आप तड़के में जीरे के साथ सौंफ भी डाल सकते हैं। हम ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल देंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये सब्जी तेल में इसलिए नहीं बनाई जाती है क्योंकि तेल और खट्टी चीज़ें साथ में नहीं खाई जाती हैं। मसाले मिक्स करने के बाद अब हम कूटा हुआ एक चम्मच ये गुड़ डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक चम्मच ये पानी भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिनके घुटनों में दर्द है वो मेथी दाना और साबुत अमचूर की खट्टी मीठी सब्जी बना सकते हैं। मेथी की सब्जी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद सब्जी को 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। इसके बाद हम गैस बंद करके सब्जी को बाउल में निकाल लेंगे। ये करूंदे की खट्टी मीठी सब्जी बन के तैयार है। आप ये करूंदे हरी मिर्ची के साथ भी बना सकते हैं और भी सब्जी के साथ खटाई के लिए इसे काम में ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।